गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट. लेट अस स्टार्ट इन इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 10. बी पंक्चुअल. हमेशा हमें पंक्चुअल रहना चाहिए. ओके. तो ये एक स्टूडेंट है अंकुर और ये इसकी टीचर है. तो अंकुर के बारे में ये पूरी स्टोरी है. अंकुर इज ललित क्लासमेट. अंकुर जो है ललित का क्लासमेट था. दे आर फ्रेंड्स. दोनों फ्रेंड्स थे. वन डे अंकुर वाज लेट फॉर स्कूल. एक दिन अंकुर स्कूल के लिए लेट हो गया. मिस मैरी आस्क हिम व्हाई आर यू लेट. इसकी जो टीचर थी मैरी, उन्होंने पूछा कि आप लेट क्यों हुए. अंकुर डिड नॉट स्पीक. द टीचर आस्क्ड अगेन. तो अंकुर ने जवाब नहीं दिया तो टीचर ने दोबारा उससे पूछा. I want to know the reason. Tell me why are you late. मुझे रीजन बताइए कि आप क्यों लेट आए हैं. अंकुर रिप्लाई इन ए लो वॉइस. अंकुर ने धीरे से बोला. Could not find my color box this morning. मुझे अपना कलर बॉक्स नहीं मिल रहा था. I looked into every corner of the house for a long time. मैंने घर में सब जगह ढूंढ लिया. In the end I found it on my younger sister bed. तो इसकी जो छोटी बहन थी उसके बेड पे उसे वो कलर बॉक्स मिला. माई यंगर सिस्टर प्लेड विथ इट लास्ट नाइट. मेरी छोटी बहन उससे खेल रही थी. शी देन लेफ्ट इट ऑन हर बेड. और उसने अपने बेड पर ही वो छोड़ दिया. आफ्टर ए फ्यू डेज अंकुर वाज अगेन लेट फॉर स्कूल. कुछ दिनों बाद फिर अंकुर लेट स्कूल आया. दिस टाइम ही नरेटेड ए वेरी फनी स्टोरी. तो उन्होंने एक फनी स्टोरी बताई. ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज शूज इन द मॉर्निंग. उसने बताया कि मेरे शूज नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं लेट हो गया. ही सर्च फॉर देम फॉर ए लॉन्ग टाइम. मैं बहुत देर तक उनको ढूंढता रहा. वेयर डिड यू फाइंड देम इन द एंड आस्क द टीचर. टीचर ने फिर बोला कि आखिर में तुम्हें कहाँ मिले आपके शूज. आई फाउंड वन शूज अंडर द बेड. एक शूज तो मुझे बेड के नीचे मिला और एक अलमीरा के ऊपर. एंड द अदर ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड ही रिप्लाइड. तो टीचर को हैरानी हुई. द टीचर वॉज शॉक्ड. हाउ डिड द शू रीच ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड. अलमारी के ऊपर शूज कैसे चला गया. तो उसने कहा लास्ट नाइट स्टार्टेड अंकुर आई वेंट आउट फॉर डिनर विथ माई पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे गया था. वी केम बैक होम लेट. आई किक्ड माई शूज ऑफ टू हार्ड. मैंने अपने शूज को किक किया तो एक तो बेड के अंदर चला गया और एक उछल कर कहाँ चला गया, अलमीरा के ऊपर. तो पूरी की पूरी क्लास हंसने लगी. द होल क्लास बिकेम हिस्टेरिकल. अंकुर वॉज एशेम्ड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन. और अंकुर को अपनी जो बात कही थी उस पर शर्म आने लगी. मिस मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ अंकुर्स एक्सक्यूज शी सेड. लेकिन टीचर को उसकी बात अच्छी नहीं लगी. शी सेड अंकुर दिस इज नॉट ए गुड हैबिट. अंकुर यह गुड हैबिट नहीं है. यू मस्ट कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस बिफोर यू गो टू बेड. आपको अपनी पूरी चीज प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए जब आप सोने जाते हैं. योर बैग बुक्स शूज एंड पेंसिल बॉक्स मस्ट ऑल बी रेडी बिफोर यू स्लीप. सोने से पहले आपको अपने बैग में बैग पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जमा लेना चाहिए. शूज पेंसिल बॉक्स भी आपको रेडी करके रखना चाहिए. सभी बच्चों को इसी तरह से रात को सोते टाइम बैग शूज और पेंसिल को रेडी करके रखना चाहिए जिससे सुबह आपको टाइम वेस्ट ना हो और आपका जो सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाए. इन दिस वे यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन लोकेटिंग देम इन द मॉर्निंग. इससे आप सुबह अपना टाइम वेस्ट नहीं कर होगा आपका. अंकुर वाज वेरी एम्बेरस्ड. अंकुर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. ही डिसाइडेड टू डू एज हिज टीचर हैड एडवाइज्ड. नाउ ही इज पंक्चुअल इन ऑल हिज वर्क. अब वो पंक्चुअल हो गया था अपने हर
काम में। हिज टीचर इज वेरी हैप्पी विथ हिम, टीचर भी उससे बहुत खुश रहती हैं। अंकुर नाउ टेल्स एवरीबॉडी पंक्चुअलिटी इज द वे टू सक्सेस, पंक्चुअलिटी जो है सक्सेस का एक रास्ता है, तो सभी को पंक्चुअल होना चाहिए। थैंक यू।